मामला काशीपुर से है, जहां फरार उद्योगपति अनूप अग्रवाल की तलाश में पुलिस उसके घर पहुंची। अनूप अग्रवाल और उसके पुत्र अमोल अग्रवाल के साथ 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। काशीपुर में विगत 3 माह पहले स्टेशन रोड निवासी प्रतीक अग्रवाल को जान से मारने और रंगदारी के मामले में काशीपुर के बड़े उद्योगपति अनूप अग्रवाल और उसके पुत्र अमोल अग्रवाल सहित 5 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी अनूप अग्रवाल ने हाईकोर्ट से जमानत के लिए कोशिश भी की, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। जमानत नहीं मिलने की वजह से अनूप अग्रवाल बेटे के साथ फरार है। न्यायालय ने उद्योगपति आरोपी अनूप अग्रवाल के खिलाफ चल रहे अचल संपत्ति कुर्क करने के कोतवाली काशीपुर को आदेश दिए। शनिवार को काशीपुर थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी के नेतृत्व में पुलिस बल अनूप अग्रवाल के अलीगंज स्थित रोजडेल कॉलोनी में मकान की कुर्की को लेकर कार्रवाई करने पहुंचा। करीब 2 महीने पहले रामला ग्राउंड में एक व्यापारी के ऊपर जान से मारने के नियत से फायर किया गया था, तो उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उससे संबंधित जो अभियुक्त गण है वो लगातार तब से फरार चल रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश से उनके विरुद्ध 82 और 83 की कार्रवाई की गई थी, तो माननीय न्यायालय द्वारा इसमें कुर्की के आदेश पारित कर दिए गए हैं। उसी कड़ी में माननीय न्यायालय के आदेश से धारा 83 CRPC के तहत अनुपालन करने के लिए हम लोग कुर्की करने के लिए अभियुक्त गण के घर पर आए हैं। यहाँ पर रोज जेल करके ये कॉलोनी है, तो यहाँ पर अभियुक्त कुर्की की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।